अब अक्सर आप लोगों को मैं जो है वो घरों में लेकर जाती हूँ और वहाँ पर हम लोग लिटरली कैमरे के पीछे लोग इकट्ठे कर रहे होते हैं कमरों में जा के खटखट, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए। मगर आज जो है मैं भी कुछ अलग महसूस कर रही हूँ और आप लोग भी आज अलग महसूस कर रहे होंगे कि इतना बड़ा फ्रेम और ये कहाँ किसके साथ बैठी हुई है। तो जी, शिफा साहब के घर हम लोग मौजूद हैं और उनकी साहबजादियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आपको और भी लोगों से मिलवाएंगे क्योंकि एक जॉइंट फैमिली है माशाल्लाह। और आप लोग आज जो है ना वो इंस्पिरेशन लीजिएगा, मैं भी आज यहाँ से इंस्पिरेशन लेके जाऊँगी। मुझे बड़ा शौक है जॉइंट फैमिली का कि उसमें ना जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जो इंसान सारी जिम्मेदारियाँ उठा रहा होता है ना, उसको जॉइंट फैमिली बड़ी पसंद होती है। तो आप बताइए, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ, अलिशबा एंड अरीबा, ठीक है? नाम मुझे पक्के से याद हो गए थे। ये आपका माइक है, सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, आप बड़ी बहन है। मुझे बताइए कि आप क्या करती हैं, पढ़ाई कर रही हैं, मैट्रिक किया है आपने? जी, स्टूडेंट हूँ और अभी आगे प्री इंजीनियरिंग का इरादा है। ओहो, इंजीनियर बनना है? जी। तो ये किसका ख्वाब है? अपना ही हूँ बस। अम्मी अब्बा ने कभी बोला कि क्या बनना है? स्टडीज में कभी फोर्स नहीं किया, किसी चीज़ में भी नहीं। हाँ, कभी बुरे मार्क्स आए तो डांट पड़ी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो अब्बा के साथ क्या खास बात है कि जब उनको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आप लोग कैसे स्पेंड करते हैं? यही सब साथ होते हैं, बात वगैरह होती है कभी किस तरह से, कभी किस तरह से। तो अब्बा से मजाक मस्ती चलती है? हाँ, कभी कभार। कभी कभार। हाँ, और दिल की बात किससे करती हो? अम्मी से। अम्मी बचाती है अब्बा से? कभी कभार। कभी कभार, कभी कभार भी बचा लेती, काफ़ी मेरी अम्मा ने कभी भी नहीं बचाया मुझे। अच्छा, अरीबा अम्मी बचाती हैं? जी। तो अब्बा ने सिखाया सच बोलना है? जी। हाँ, तो झूठ पे क्या हुआ है सबसे ज़्यादा ख़राब आपके साथ? बोला ही नहीं। बोला ही नहीं, वाह क्या बात है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो है वेलकम करते हैं इनकी वालदा को और शिफा साहब की बेगम को, जमीला भाभी हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। भाभी, इसका छोटे का इंट्रोडक्शन तो आप ही करा दें। इसका नाम अब्दुल्ला है। जी जी। और अभी ये थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि इनको कोई पोएम नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता, इनको पहला कलमा भी आता है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पहला कलमा आता है? जी। दूसरा कलमा आता है? जी। तीसरा आता है? जी। चौथा आता है? जी। पांचवा आता है? जी। छठा आता है? जी। वाओ क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। किसने सिखाया? इनके मौलवी साहब आते हैं। मौलवी साहब ने? सबसे मुश्किल कौन सा वाला कलमा लगा था याद करने में? छठा। सुना दो फिर आज छठा हमें। फंस गई। हाँ, फंस गया। ओ, खुद ही बोल के बेचारा फंस गया। अच्छा बताओ, अब छोड़ो, अब बताओ, अब्बा से डांट पड़ती है? प्यार करते हैं इनको? हाँ, बिल्कुल नहीं पड़ती। क्या आप क्या फरमाइश है, क्या क्या लाके देते हैं अब्बा? जो बोलता हूँ वही दे। हाँ, दे देते। तो क्या बोलते हो, रोज क्या चीज चाहिए होती है? रोज नहीं, कभी कभी। कभी कभी बोलता हूँ। अच्छा, तो पैसे कितने मिलते हैं अब्बा से? अब्बा से मिलते हैं, अम्मी से मिलते हैं? अम्मी। अम्मी कितने पैसे देती हैं? नहीं पता। पैसे नहीं देते। हाँ, पैसे नहीं देते, जो मांगते वो ला देते। अच्छा, पैसे नहीं देते? पैसे नहीं देते। ओके, तो इनको मिल जाते हैं, इनको भी अभी भी नहीं मिलते? नहीं, इनको भी मैं ही दिलाती हूँ। आए, तो कब कौन सी उम्र में मिलना शुरू होंगे? अभी जब शादी हो जाए। जरूरत में पूरी कर देती ना, और फिर जो जरूरत होती है तो जो है ले जाते, फिर जरूरत खत्म हो जाती, फिर बचते लाके मुझे दे देते। अरे वाह क्या बात है। और चौथे से भी आपकी जो है वो मुलाकात करवा देते हैं, घर के सबसे बड़े हैं वो भाई हैं। और एक तो भाई, ऊपर से बड़ा भाई है ना, तो उसके बारे में तो मैं बाद में पूछूंगी। एमर हमारे साथ मौजूद है। एमर कैसे हैं आप? एमर, ये तीन मुझे बहुत शैतान लग रहे हैं वैसे, आपके बहन भाई। हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा ना, आप मासूम हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब्बू, आपके बता रहे थे कि आपको बहुत शौक़ है कि आप उनके साथ भी काम किया करें, तो अभी आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है, क्या इरादे हैं? BBA चल रहा है, आगे अब्बा के साथ ही ज्वाइन करने का है। कोई ऐसा नहीं था कि मैं बिज़नेस करूँगा या मैं बाहर जाऊँगा पढ़ने के लिए? नहीं, सिचुएशन वेरी करती है। अभी पहले BBA कंप्लीट होने तो बड़ा मुश्किल से हो रहा है। हाय हाय हाय, क्यों मुश्किल क्यों हो रही है? बस हो रही है, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। शौक किस चीज़ का है? सिंगिंग का। सिंगिंग का शौक है, वाह क्या बात है। तो डर नहीं लग रहा अब्बा से डांटनी पड़ जाएगी? बोलते हैं नाते पड़ा करो। तो ऐसे नहीं सोचते कि अभी लोग क्या बोलेंगे, और देखो जरा शिफा साहब का बेटा बोल रहा था मुझे गाना गाना है? नहीं, लोगों का काम है बोलना, ठीक है? हाँ। आप उसको रिस्पॉन्ड ना करें, आपको जो अच्छा लगता है। अब्बा ने भी अपने अब्बा से यही सीखा था, अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले। अच्छा ये बताएं कि अब्बा ने सबसे ज़्यादा सख्ती किस चीज़ पर रखी चारों बहन भाइयों को लेकर? टाइमिंग्स, मतलब 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाओ। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन उसके ऊपर। और सबसे ज़्यादा छूट किस बात पे मिलती है जिस पे अम्मी भी गुस्सा हो जाती हैं? छूट
बिगाड़ा, मजाक उड़ाते हैं सब, हाँ, सब मिलके। तो क्या है अम्मी की क्या है, किस बात से छेड़ते हो आप अम्मी को? सेहतमंद है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप भी सेहतमंद हो जाना। आप लोग क्या डाइटिंग कर रहे हैं? नहीं हाँ। अम्मी सबसे मजे का क्या पकाती हैं? सभी बहुत मजे का बनाते हैं। और अब्बू क्या बनाते हैं? अब्बू कुछ नहीं बनाते। अब्बू ने कभी कुछ पकाया घर? नहीं, अब्बू भी नहीं, कभी भी कुछ नहीं बनाया। अब्बू को कभी काम में ज़्यादातर मसरूफ़ होते हैं इसकी वजह से। हाँ, तो अब्बू से शिकायत है कोई? नहीं नहीं, कोई नहीं है। नहीं, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा दें ऐसा कुछ? नहीं, वो उनके काम की वजह से वेरी करता है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, अब्बा का काम ऐसा भी है कि दिन रात कभी कभी कुछ कभी पता नहीं होता है ना, तो क्या क्या चीज़ें कभी ऐसा टाइम बताओ जब अब्बा को बहुत मिस किया था, कि अब्बा अपने काम से गए हुए थे और अम्मी ने कहा था बेटा लोगों की भी तो मदद करनी है ना। आपने कहा होगा क्या मेरे अब्बा है ना, मेरे अब्बा मेरे पास क्यों नहीं है? रिजल्ट दिखाना था एक मरतबा उस। हाँ, रिजल्ट अच्छा आया होगा ना उस दिन है ना, तभी दिखाना था। क्या रिजल्ट आया था? 80%। ओए होए क्या बात, उस दिन तो अब्बा को होना चाहिए था है ना। आप मुझे ये बताइए कि कौन सी चीज़ें जो अपनी बेटियों को कभी नहीं करने देंगे और अपने बेटों को कभी नहीं करने देंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि वो झूठ से जो है वो कभी भी झूठ ना बोले, नंबर एक। नंबर दो कि अपनी ज़िंदगी को जो है वो डिसिप्लिन के साथ मतलब है कि गुजारे, अपना वक्त जो है वो उसको डिसिप्लिन के साथ गुजारे। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि अब्बा ने तो कह दिया कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, तो सबसे ज़्यादा देर से कौन सो के उठता है? ज़्यादातर हम लोग अगर देर से होते हैं तो देर से उठेंगे। कौन सबसे ज़्यादा देर से कौन उठता है? तंग सबसे ज़्यादा उठने में कौन करता है? सब साथ ही हैं, लाइक सब साथ ही उठते हैं जी। मेरे साथ छोटी बहन होती है, हम दोनों साथ ही उठते हैं तकरीबन। अच्छा, और ये अब्दुल्ला कब उठता है? अब्दुल्ला भी हमारे साथ होता है। हाँ, और सबसे लेट कौन होता है हमेशा? तीन मतलब रूटीन से एक साथ ही उठते हैं। यानी तुम मेरा शो बोरिंग बना दोगी, बिल्कुल एंटरटेन नहीं होने दोगी, कुछ ऐसी बात नहीं करोगी, बोरिंग बना दोगी। कुछ तो बोल दो, तुम बता दो मुझे। हाँ, कोई मस्ती मजाक भी होता है इस घर में या सब कुछ सही है? हाँ, देर से मैं उठती हूँ। वो कह रही है मैं ही कुर्बानी दे देती हूँ। बाजी को शो ही अच्छा चाहिए ना, बाजी को शो ही अच्छा करना है ना, चलो मैं ही बोल देती हूँ है ना। अच्छा भाभी, आप बताइए, बहुत सारे नाम चीपा साहब जैसे हैं जिनकी लाइफ पार्टनर्स जो हैं वो भी उनके साथ बहुत एक्टिव हैं, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप भी ज़रा एक्टिवली काम करें ऐसा कुछ? नहीं, ये तो बहुत कहते हैं मुझे कि आप भी आओ करो ये काम। मैं कहती हूँ अभी बच्चों को थोड़ी देखूँ, फिर हाँ। उसके बाद जब भी अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाए फिर इंशाल्लाह आगे। अगर कैसा दिन गुजरता है आपका इनके साथ, बच्चों के साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गुजरता। क्या क्या करती रहती हैं, थोड़ी अपनी रूटीन तो बस बताएं। इनको बस वो घर फैमिली। हाँ। इतना हमें तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता हम लोग माशाल्लाह अपने आप में इतने। खाना हर रोज पकाती हैं? हाँ, खाना जैसे तीन दिन होता है, मैं देवरानी छोटी देवरानी। अच्छा, ये बात मैं कह रही थी, ये तो फायदा होता है ना। हाँ, ये फायदा होता है माशा। तो आप सबसे ज्यादा अच्छा क्या पकाती हैं? हम लोग ही सबकी अपनी स्पेशलिटी है। गुजराती डिश कोई बताए ना हमें जो आप पकाती हैं बड़ी अच्छी। गुजराती नहीं, हम लोग देसी खाने खाते हैं। देसी खाने खाते? हाँ, जैसे पाए हो गए, नहारी हो गई और बिरयानी कौरमे, बस ये देसी खाने खाते। क्या बात है। अच्छा, आप लोग मुझे बताए कि अम्मा अब्बा की कभी लड़ाई होती देखी? नहीं, कभी भी नहीं देखी। कभी नाराज होते हुए देखा एक दूसरे को? नहीं। कभी मनाते हुए देखा एक दूसरे को? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं ऐसा। अच्छा, तो कभी जो है वो फरमाइश की अब्बा से, तो अब्बा क्या इंटरोगेशन करते हैं कि क्यों चाहिए चीज़, किस लिए चाहिए, क्या करना है, कितने की है तुम, या फिर नहीं फौरन मान जाते हैं? अगर चीज़ सही है तो कभी मना नहीं करते। सही क्या चीज़ होती है? कभी मोबाइल फोन वगैरह। हाँ, मोबाइल फोन तो सही होते हैं है ना, मोबाइल फोन से सही। तो कितने घंटे गुजरते हैं दिन में मोबाइल फोन पे, सबसे पहले आप बताएं? कितने दिन बचते हैं? अच्छा, बचते कितने कितने घंटे बचते हैं? कितने दिन गुजरते हैं मोबाइल फोन पे? बहुत ज्यादा। और व्हाट्सएप पे उसका कितना टाइम, यानी कितने परसेंट टाइम व्हाट्सएप पे गुजरता है उसमें से? 78% भाई, 78 लाइए जी। 80% सवाल यह था, सवाल ये था कि कभी कोई ऐसा हुआ कि कोई शादी करनी हुई कहीं ऐसा दिल किया तो अब्बा को बता दोगे या नहीं बताओगे, डर जाओगे? मैं इस पे नो कमेंट्स। बताओगे या नहीं बताओगे बोलो, मैं अब्बू हैं, अब्बू को सच, अब्बू तो कहते सच बताओ। हाँ, सच बताओ, लेकिन हाँ? खानदान के अंदर सच बताओ। अच्छा अच्छा, खानदान के अंदर सच बताओ। आपसे पूछूंगी भाई कि ये जो बच्चों की पसंद की शादी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं इनक्रेज करता हूँ कि जो है वो अपनी कम्युनिटी में ही और अपने लोगों में ही मतलब होना चाहिए। अच्छा, और बच्चों को पढ़ाने के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि बच्चों को सबसे पहले अपनी एजुकेशन मुकम्मल करनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है उसकी शादी करनी चाहिए। अच्छा भाभी, आपसे मैं पूछूंगी कि बेटियों को आजकल के ज़माने में पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलना है, अपने आप को कहीं स्टैंड करने के लिए, नौकरी करने के लिए या अपना करियर बनाने के लिए,
कॉन्फिडेंस चाहिए, वो कैसे देती हैं अपनी बेटियों को? बस कहती हूँ कि जो है सही को समझे। बचाती कैसे हैं जमाने से अपने बच्चों को? मैं खुद साथ साथ होती हूँ। माँ बाप आजकल क्या गलती करते हैं आपके हिसाब से? साथ नहीं होते बच्चों को, छोड़ देते हैं लोगों के साथ, लोगों के उसमें हर वक्त मैं अलर्ट रहती हूँ। आपने 24 आवर्स मेड नहीं रखी हुई अब्दुल्ला के लिए? नहीं। अरे वाह, तो आपने पहली दफ़ा शादी के बाद क्या पका के खिलाया था भाई को? खीर। खीर कैसी बनी थी सच्ची बताएगा? नहीं अच्छी बनाई थी, याद है? खाने तो बस क्या बात है, खाने तो इतने मजेदार किस्म के बनाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा खाने बनाते हैं आज। कढ़ाई बनाई? अच्छा, बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके। क्या कहना चाहेंगे अहमर, आप अपने जैसे नौजवानों को जो इस वक्त देख रहे हैं टीवी? ये ले माइक लें, आप बहुत समझदार हैं और आप बहुत विजडम की बातें करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपने दोस्तों को कुछ बात कहें, आज सब देख रहे हैं आपको। मैसेज सिर्फ यही है कि एक गोल सेट करें लाइफ में, ताकि उस गोल को जिंदगी में अचीव करें। आपका गोल क्या है? मैंने अपना बताया ना। हाँ, सिंगिंग। सिंगिंग है, गाना तो सुना दो। गाना सुना दो फिर कभी। हाँ, मैं अलग से बिठा लूँ? हाँ, अभी अभी कैमरा चलो ठीक है भाई। घर में जब जॉइंट फैमिली होती है और बहुत सारे अफराद होते हैं, तो जहाँ कभी किसी एक से इजाज़त नहीं मिल रही होती या कहीं एक जगह सख्ती होती है, तो वहाँ दूसरी जगह नरमी भी होती है। और बच्चे हमेशा जो है वो ढूंढ रहे होते हैं वो वाली जगह जहाँ से उनको शय मिलती है। तो घर में शय किससे मिलती है अहमद? शय अम्मी से ज़्यादा मिलती है। हाँ, और ये छोटे वाले चाचा है। छोटे वाले चाचा से? तो अब तारुफ कराओ अपने चाचू का भी और अपनी चाची का भी। ठीक है, ये मेरे छोटे वाले चाचा हैं, ठीक है, असलम छिपा इनका नाम है, मोहम्मद असलम छिपा। ये इनकी मिसेस है यमुना छिपा, और ये मेरे बड़े वाले चाचा हैं, और ये इनकी मिसेस है। अच्छा, ये इनकी मिसेस हैं, ये मेरी चाची हैं। चाची है? हाँ, आप जो है वो दोनों चाचू हैं आपके, है ना? तो बड़े भाई से के बारे में कुछ ऐसा बताएं ना हमें जो लोगों को नहीं पता। बिस्मिल्लाह रहमान, जहाँ तक छिपा साहब का ताल्लुक है, छिपा साहब वो शख्सियत हैं जो लाखों में नहीं करोड़ों में नहीं एक पाए जाते हैं, और रब्बुल आलमीन उनसे ही काम लेता है जिनको समझता है कुछ। अल्लाह उसके रसूल की करम नवाजी से छिपा साहब को रब्बुल आलमीन ने इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, और सबसे बड़ी मेरे लिए फ़ख्र की बात है मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, घर में हमेशा उनका तकिया कलाम क्या रहा है? कोई एक लफ्ज़ इंसान हमेशा बहुत ज़्यादा बोलता है, वो क्या कहते हैं? भाईजान कहते हैं हम ये। हाँ, आप लोग भाईजान कह के बुलाते हैं? भाईजान कहते हैं, भाईजान। वो कौन सा लफ्ज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? नाम लेते हैं, नाम से पुकारते हैं। हाँ, असलम यहाँ आ जाएँ, रजाक यहाँ आ जाएँ, नाम लेते हैं ज़रूर। बस इनमें एक थोड़ा सा है कि यहाँ पे हमारी जो है छिपा बोली जाती है घर पे, लेकिन जब कोई भी घर पे बात करता है तो उर्दू में बात करता है, ये एक क्वालिटी है यहाँ पे। अच्छा, मेरे साथ? आपसे? जी हाँ। क्यों? मैं असल में शुरू से जो है मैं उर्दू ही बोलता हूँ। आपको आती है छिपा लैंग्वेज? समझ आती है, बोलना नहीं आती। बोलना क्यों नहीं आती, सीख जाओ। अपनी लैंग्वेज नहीं आती, ये कैसी बात हुई? ये भी है, मुझे तो पंजाबी आती है। तुम पंजाबी आती है? पंजाबी आती होगी? समझ में आती है। अच्छा, वो भी समझ में आती है। तो भाभी आप मुझे बताइए कि आप कैसे हैं, को आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? आप कैसे हैं? मुझे भी बहुत कमी आती है। अल्लाह, कैसे हो? जैसे मुझे बहुत टूटी फूटी आती है। कितना गाना गा के आपको कान? नहीं, गाता नहीं, गाता तो रूम में ही है, बस ये फुटेज पे पूरा भेजता है। इसको क्या बात है, कमेंट्स देते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे YouTube चैनल बताऊं कि क्या है, तो मुझे गाना गा के सुनाना पड़ेगा। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, बिछड़ जाइएगा। मुकर जाइएगा, मुकर जाते हैं लोग। ब्रेक लेके दिखा दो, होस्टिंग कर सकते हो? हाँ, आज सब मैं ऑडिशन ले लूंगी तुम्हारा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर,
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।